अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज मैंने बनाई है चिकन बोनलेस हांडी। मैंने अपने हिसाब से बनाई थी। ये मटेरियल जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दही, प्याज, टमाटर, ये चीज़ें मैंने काट के रखी थी, और ये क्रीम था। क्रीम भी मैंने अपना दूध में से ही निकाल के रखा था जो घर में निकलता है। ये मैंने दही और चिकन जो बोनलेस था ये मैरिनेट किया था, उसमें थोड़ा सा ये चिकन हांडी मसाला मैंने डाल दिया था। तो ये मैंने मिक्स करके मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए ये मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने एक बर्तन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया, वो मैंने ब्राउन किया। ये जब तक लहसुन और अदरक का पेस्ट ब्राउन नहीं होता तब तक इसमें चिकन नहीं जाएगा। आप देखें जब तक मेरी वीडियो के साथ कंटिन्यू रहें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मुझे इतनी, मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करती रहती हूँ। ट्राई करने में क्या है, कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। तो ये लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बनाया, फिर ये मैंने थोड़ा ऑयल गरम करके उसमें डाल दिया था। फिर अभी ये देखिए ब्राउन हो गया है। ये जैसे ही ब्राउन हो जाता है तो इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर जो है इनको हम अच्छी तरह से भूनेंगे, जैसे ये भी थोड़ा पेस्ट बन जाए, इसका भी पेस्ट बन जाता है और टमाटर गल जाते हैं तो सालन जो हांडी बनेगी उसका टेस्ट और उसका जो लुक होता है ना वो बहुत अच्छा आएगा। ये बस टमाटर जो है ना गलने वाले हैं बिल्कुल। जैसे ही ये टमाटर गल जाएंगे तो हम इसमें कुछ और ऐड करेंगे। अभी ये टमाटर बस पकने ही वाले हैं। ये खाने में भी अच्छी बनी थी, हमने बनाई, खाने में बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी थी। और इसमें जो है ना चिकन बोनलेस होता है तो बच्चे खाते हैं, वैसे चिकन जो हड्डियों वाला होता है ना वो हमारे बच्चे नहीं खाते, उनको चिकन पसंद ही नहीं है बिल्कुल। तो बोनलेस फिर भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। ये पेस्ट बस बनने ही वाला है। अभी मैं टमाटर को इतना ज़्यादा इसीलिए गला रही हूँ क्योंकि टमाटर जो है ना फिर नज़र आते हैं सालन में, तो वो अच्छे नहीं लगते जो नज़र आते हैं सालन। ये बस टमाटर का पेस्ट अभी बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था दही में और हांडी मसाले में, अभी हमने वो ऐड किया है। अभी ये चिकन और दही और हांडी मसाले को हमने तकरीबन 20 मिनट मैरिनेट किया था। अगर 20 मिनट ना भी करें तो 10 मिनट के लिए मैरिनेट कर दें, बस मसाला मैरिनेट हो जाए, बाकी तो चिकन जो है बोनलेस है वो जल्दी गल भी जाता है, ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने ये दही में 2 चम्मच हांडी मसाला और 1 कप दही और ये 1 कप बोनलेस चिकन का लेके हमने मैरिनेट किया था। अभी हमने ये टमाटर में ऐड किया है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए कलर भी इसका बहुत अच्छा आ रहा है और ये अभी बिल्कुल मिक्स भी हो गया है कलर इसका। इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया है, जैसे ये चिकन जो है ना 1 कप से कम डाला है जैसे चिकन गल जाए। असल में मैं रिकॉर्डिंग भी खुद करती हूँ ना, फ़ोन हाथ में पकड़ती हूँ और कुछ बनाती हूँ तो कैमरा मेरा बहुत हिलता है। इंशाल्लाह मैं जल्दी इसका भी कोई ना कोई हल निकाल दूँगी। अभी मैंने इसमें चिकन में हल्दी पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर 1 चम्मच मैंने ऐड किया है और 1 चम्मच नमक का ऐड किया है। और उसके साथ मैंने ये चावल भी बनाने रखे थे। या आप देखिए मैंने चावल का ओवरव्यू तो नहीं दिया था, चावल तो बिल्कुल आसान है बनाने में, तो ये मैंने हांडी के साथ चावल बनाए थे। और अभी ये देखिए पानी इसका ख़त्म हो गया है, आयल पे आ गया है चिकन। इसमें मैंने नमक और हल्दी डाली थी और हांडी मसाला डाला था और कोई मसाला नहीं डाला था। अब इसमें मैं क्रीम ऐड करूँगी, ये मैंने इसमें क्रीम ऐड की है। क्रीम का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये अच्छे तरीके से मैं क्रीम को मिक्स करूँगी, बिल्कुल ये जो है ना एक कलर में आ जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो चिकन तो ऑलमोस्ट गल चुका है बिल्कुल, और अभी ये मिक्स ही हो गया है। देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है, दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए क्रीम इसमें बिल्कुल मिक्स हो गया है।
अभी इसमें मैंने छोटे छोटे पीसेस जो है ना प्याज के काट के रखे थे, जैसे क्यूब्स मैंने चिकन के बनाए थे ना, मैंने अपने तरीके से हांडी बनाई है। प्याज का टेस्ट जो है ना चिकन में बहुत अच्छा आता है, तो अभी मैंने इसमें ये प्याज मिक्स किए हैं। वैसे प्याज और शिमला मिर्च अलफ्रेजी में भी मिक्स करते हैं, लेकिन हमने इसमें सिर्फ प्याज ऐड की है। तो इसमें प्याज ऐड करके इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। तब तक ये चावल को भी मैंने दम पे लगाया हुआ है, अभी ये मिक्स करके मैं दम पे लगा दूँगी चावल को, जब तक ये चावल भी बन जाएंगे इंशाल्लाह, और हांडी और चावल एक साथ। और ये देखिए प्याज भी तकरीबन इसको 2-3 मिनट पकाना चाहिए, ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, प्याज का टेस्ट अच्छा आता है। तो अभी ये प्याज भी मिक्स हो गए हैं, और अभी ये देखिए प्याज गल चुके हैं, अभी ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी हो गई है। बस इसका थोड़ा सा पानी कम हो जाए और ऑयल पे आ जाए तो बिल्कुल रेडी, और ये चावल हमारे दम पे आ गए हैं। चावल बहुत अच्छे बने। और ये हांडी भी बिल्कुल रेडी है, अभी बिल्कुल बनने की। अभी हम इसको सर्व करेंगे, चावल और चिकन बोनलेस हांडी को। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है, चावल और हांडी। चलिए व्यूवर्स, हम इसी वीडियो के साथ आपको एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। हमारे साथ रहिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।